Yeah.
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकापदाकौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशहविगात श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जनप्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतयातर भो विनेगुं स्तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं विरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद सब एक बार हाथ कर लो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकाद ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किए। छह प्रश्न में जो पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी और दूसरी प्रश्न पहले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है और तीसरा जो प्रश्न था किसको याद है कोई बोल सकता हो तीसरा प्रश्न क्या था? कौन बोलेगा हाथ उठा? सब भूल गए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा सुना लेकिन कृष्ण एक होने पर भी उनका तीन धाम है। एक तो उनका गोकुल धाम है, दूसरा उनका श्री मथुरा धाम है, तीसरा उनका द्वारका धाम है। कहते भगवान ने ये तीनों धामों में जो जो लीला की हमें वो सारी कथा सुना। और जो चौथा प्रश्न है कहते केवल कृष्ण कथा नहीं उनके जितने अवतार हैं उनके सारे अवतारों का भी कथा सुना। और जो पंचमा प्रश्न है कहते भगवान की जो अद्भुत जो जस है जो महिमा है उसको सुना। और जो छठवां प्रश्न था जब भगवान कलि जो इसी जगत में छोड़ करके चले गए अभी धर्म उन्होंने कहाँ आश्रय लिया है, इसलिए उन्होंने जब ये छह प्रश्न की सुत गोस्वामी की रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों? बोले इन्होंने जो प्रश्न की है कोई ये दुनियादारी की कोई बात उन्होंने नहीं बताई, इनका प्रश्न केवल भगवत संबंधी प्रश्न है। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर किसी साधु को पास में जाते हो कोई दुनियादारी की कोई बात मत किया करो, उनको कोई दुनियादारी की बात मत करो। क्यों? जो असली जो संत होते हैं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं बोले मदगथा मदगता चिंता बोधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण अपना भक्तों का महिमा गा रहे, मेरे जो भक्त है इनका जीवन क्या है? बोले मेरी कथा मेरी भजन मेरी चिंता ही इनका जीवन है। अगर इनको आप आनंद देना चाहते हो केवल भगवत संबंधी प्रश्न करो। अगर ये दुनिया की कोई बात करे फिर क्या होगा? जो संत वो तो ठाकुर को चिंतन करते हैं। अगर हमने दुनिया की बात किया तो क्या किया? उसको तो ठाकुर का चिंता से छुड़ा दिया और ये दुनियादारी चिंता में ले आए। इसलिए संत उसमें खुश नहीं होते। संत तभी खुश होते हैं जब उनको ठाकुर जी के बारे में कोई चीज पूछो तभी ये खुश होते हैं। यहाँ पर संतों का लक्षण बताते हैं। हाँ देखो यहाँ पर प्रश्न कौन किसको कर रहे हैं? बोले सौनकादि ऋषि लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि
बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, लेकिन ये प्रश्न किसको कर रहे हैं? बोले श्री सूत गोस्वामी को। बोले ये सूत मतलब क्या है? बोले जो रथ को चलाते हैं, ये छोटे जाति के लोग हैं। लेकिन यदि छोटे जाति के लोग को और इतने इतने बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग, ब्राह्मण लोग प्रश्न कर रहे हैं, बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य है भगवान की भक्ति में जात पात कुछ ना कोई, और हरि का भजा सो, हरि का भजा सो, हरि का हो। मतलब भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं है। आप बताओ हनुमान जी कौन सा जात में आए थे? बंदर है। किसी घर में बंदर घुस जाए, बोले भैया घर अपवित्र हो गया। लेकिन हम उनको घर घर में पूजा कर रहे हैं। बोले क्यों पूजा कर रहे हो? क्योंकि भगवान राम के लिए भक्त है। अब सबरी का नाम सुने हैं? बोलना सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए प्रेम के बसीभूत होकर के भगवान सबरी के झूठा बेर खाए। और बोले बहु विध स्वाद बताई। बोले सबरी आज तेरी झूठे बेर में जो आनंद आया ना मेरे को, वैकुंठ में मेरी महिषियां कितने छापन भोग 36 व्यंजन बनाती, उसी में भी वो आनंद नहीं आता है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। अब इसलिए सुत गोस्वामी स्वर्णकाद ऋषियों का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या था? क्या था? हाथ उठा कौन बोले? क्या था पहला प्रश्न? बोलो। आप लोग लगता है आप लोग यहाँ कथा नहीं सुन रहे, आप केवल यहाँ केवल बैठे हो और घर में अपने मन को वही रख करके आ गए। अभी अभी मैंने बताया, अभी अभी भूल गए। देखो ध्यान देकर सुना, माता जी बता रही है। एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गया। उन्होंने देखा दुकान में 3 मूर्ति है। ध्यान देकर सुना, दुकान में कितने मूर्ति है? 3। पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है? बोले जो पहला वाला मूर्ति है ना इसका कीमत है 100 रुपया। बोले दूसरे मूर्ति की? बोले इसका कीमत है 5 रुपया। बोले तीसरा मूर्ति क्या? बोले 5000। बोले ऐसे क्यों? वो तीनों मूर्ति तो बराबर के है, अब इतना फर्क क्यों? देखो ध्यान देकर सुना। बोले 3 गिलास पानी लाओ, अभी तुमको समझाता हूँ इसमें इतना फर्क क्यों। जो पहला मूर्ति था जब उसको कानों में पानी डाला ना, वो जिधर पानी डाला वो उधर से निकलते हुए निकला गया। बोले इसका कीमत 100 रुपया। बोले क्या मतलब? बोले ये जो कुछ सुनता है जिधर से सुनता है वो उधर से निकल जाए। अभी दूसरे मूर्ति की कीमत 5 रुपया, जब उसको कानों में पानी डाला, एक कानों में तो पानी डाला वो पानी सीधा दूसरे कान में निकल आया। बोले ये तो कथा सुनता है लेकिन इधर सुन करके ये इधर निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत है 5 रुपया। जब तीसरे मूर्ति की कान में पानी डाला और एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, सबके सब अंदर में चला गया। बोले इसका कीमत है 5000। बोले क्यों? बोले ये जो बात सुनता है ना वो कान से बाहर निकलने नहीं देता है, वो जिधर सुनता है और पूरा अंदर में ले जाता है। आप बताओ कितने पैसा का मूर्ति आप बनोगे? कितने पैसा की आप हो? हाँ, अगर 5000 की हो फिर तो कथा सुननी चाहिए ना। अभी अभी मैंने प्रश्न की, अभी अभी बोला आपने, अभी अभी भूल गए। बताओ पहला प्रश्न क्या था? हाथ खड़े करो। क्या था? आत्मा को शांति की। अभी ध्यान देकर सुनो, देखो कथा भी सुनना और कथा घर में भी ले जाना, बहू बेटी नाती पोती सबको भी ठाकुर जी की कथा सुनना, सबका भी कल्याण है, ठीक है ना। इसलिए माता जी क्या कर रहे हो बीच में फंस कर सूचा बैठो, तो यहाँ बस रस्सी तो यहाँ लटका दिया माता जी, यहाँ तो रस्सी बीच में लटका दिया, फिर लोग आएंगे कैसे? रास्ता कर रहे हैं, छोड़ दो, जो आएंगे इधर से आएंगे, बीच में किसको आने मत देना, बीच में किसको आने मत देना, जो आए इधर से घूम करके, ठीक है बैठो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले रास्ता में रस्सी भी चार कर लग गया, ये रास्ता में रस्सी लगा दिया ना, कैसे इसको कवच कर।
जिन्हें उनको इधर से ग्रहण कर लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री हरे कृष्ण। इसलिए उनका जो पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये 1 करोड़ रुपया की प्रश्न है, क्योंकि हम घर में जो कुछ करते हैं किसके लिए सारे काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, शांति के लिए। जो कुछ करते हो केवल शांति के लिए करते हैं। लेकिन आप देखना, जैसे सामने एक समस्या है, हम ये कोशिश करते हैं भैया ये एक समस्या अगर हल हो जाए ना हमें चैन मिलेगा, लेकिन खुद देखना एक समस्या तो हल हो गई, हुई नहीं, सामने 3 समस्या खड़ी रहती है। फिर हम जी जान लगा देते हैं भैया ये 3 समस्या कैसे हल हो जाए। आप देखना वो 3 समस्या तो हल हुई नहीं, देखना सामने 5 समस्या खड़ी रहती है। आप देखना घर है कि नहीं, जैसे मकोड़े जैसे जाल बनाते हैं ना, और वो जाल बनाते बनाते खुश उसमें फंस करके मर जाते हैं। हम भी समस्या को दूर करने के लिए सारे जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन मरने का पहला कदम ही हमारे दुख कष्ट समस्या का होती है। इसलिए अभी ध्यान दे करके सुना, इनका प्रश्न यही है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसका उत्तर उन्हें 1 श्लोक में देते हैं। बले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोत्सजे आहायतुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बले शांति कब मिलेगी, बले सबई पुंसांग परो धर्म। कल जगत में जितने जीव है हम सबके सब कौन है, हम सबके सब भगवान के नित्य दास है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन। जगत में जितने जीव है हम सबके सब भगवान की सेवक है, भगवान की दास है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले ईश्वर सजीव अविनाशी ईश्वर सजीव अविनाशी ईश्वर सजीव अविनाशी ईश्वर सजीव ईश्वर का अंश है, हम सबके सब भगवान के संतान है, भगवान की बच्चे हैं। अगर हम भगवान के बच्चे हैं फिर हमारा कर्तव्य क्या है, बोले भगवान को भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना, ठाकुर जी को प्रेम करना, भक्ति करना ही हमारा धर्म है। अगर हम भगवान को प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, तब क्या होगा, बोले जीवन में तुमको परम शांति और परम सुख भगवान की भक्ति में तुमको प्राप्ति होगी। आप बोलोगे हम सबके सब तो भक्ति कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं, भक्ति सबके सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न है फिर हमें शांति सुख क्यों नहीं मिलता है। कहते जैसे भक्ति करनी चाहिए ना, हम वैसे नहीं कर रहे। देखो हमारी भक्ति कैसे, बोले भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए निष्काम भक्ति होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति कैसे है, सब ध्यान देख रहे सुना, अब सब मेरे तरफ में देखो। कोई अगर एक माता जी आ गए ना, सब
सब कथा सुनना छोड़ देते हैं, कौन कैसे साड़ी पहन के क्या आई है, कौन सब उसको देखने, जैसे जिंदगी में कोई साड़ी पहनना देखे नहीं, इसलिए बीच में ना किसी को आने नहीं देनी चाहिए। ये माताएं बड़े कोई कथा नहीं सुनते, कोई आए ना सब उनके तरफ में देखते कथा नहीं सुनते, इसलिए कोई चीज आए ना वहां पर कोई चीज रख ले ना वही रख ले, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति में तुम्हारी कोई कामना वासना नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति कैसे है, जैसे 10 रुपया की कोई एक फूल की माला लाए ठाकुर जी के चरण में चढ़ाए, जानते हो उसको साथ साथ में 10 करोड़ों की कम से कम एक पर्ची रख लेंगे, एक लिस्ट रख लेंगे, ठाकुर जी हमारे घर को सामने देखो कितने बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, अभी भी हम साइकिल में घूम रहे हैं, हमारे घर बाहर सामने देखो 3 मंजिल के मकान, अभी तो हमारे 1 मंजिल में मकान में किराया में रह रहे हैं, ठाकुर जी अभी तक हमारा बेटा का कोई नौकरी नहीं लगी, ठाकुर जी अभी हमारे बेटी की कोई शादी नहीं, 10 रुपया की तो वस्तु दिए लेकिन उसमें 10 करोड़ रुपये की पर्ची बना कर रख ली ठाकुर जी, इसलिए आपको दे रहे हैं, आप मेरे घर में आओ और 3 मंजिली मकान बना दो, कि गाड़ी लेवा दो, मेरे बेटा को बेटी को शादी करा दो, बेटा का नौकरी लगा दो, मतलब आपको 10 रुपया दिया आप घर में हमारे नौकर बन गए, कहते नहीं इसको भक्ति नहीं कहते, ये बिजनेस हो गया, ये बिजनेस हो गई, हम भक्ति नहीं किया ठाकुर जी का, अपना नौकर बनाना चाहते हैं नहीं। इसलिए भगवान राम जब श्री हनुमान के ऊपर प्रसन्न हुए, बोले बेटा हनुमान आज तू जो कुछ मांगोगे ना हम तुमको 100 कुछ देने के लिए तैयार है। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्री रंग पदा सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान जी से सीख लो, हनुमान जी से सीख लो, बोले प्रभु आपके चरण में बारंबार हम प्रणाम करते हैं, बोले क्यों, बोले प्रभु आपके चरण में अनुपायन मतलब निष्काम भक्ति और संतों की हमें संगत दे, हनुमान जी ये मांगते हैं, इसलिए भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो, निष्काम होनी चाहिए। आप देखो ध्यान देकर सुनो, आप बोलोगे हम थोड़ी साधु संत, हम तो घर गृहस्थी है, हमारा बेटा है बेटी है दुकान मकान, हम तो कामना वासना है ही है, हम थोड़ी साधु हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो संत लोग क्या उदाहरण देते हैं, जैसे मानो तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हारे पास में अथा संपत्ति है, कितने बेटे हैं तुम्हारे पास में, 2 बेटे हैं, एक बेटा कहता है पिताजी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, आप हमारे पिता माता हो, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन एक बेटा कहता है पिताजी तब भी आपको मैं सेवा करूंगा, तुम्हारी नाम पर जितनी दुकान मकान प्रॉपर्टी पहले मेरे नाम पर लिखवा, तब भी मैं सेवा करूंगा, नहीं तो कोई सेवा नहीं करूंगा। आप बताओ पिता कौन सा बच्चे को सारे संपत्ति देकर के जाएगा, जो मांगने वाले को देकर के जाएगा ना, जो बिना मांगे वाले को देकर जाएगा, बताओ तो आप ठीक से बताओ किसको देकर जाएगा। हाँ यही चीज को समझो, अगर हम भगवान को निष्काम रूप में भक्ति करोगे सेवा करोगे ना, तुम्हें ठाकुर को कुछ मांगने का जरूरत नहीं, उनको कितना हाथ है, उनका 1000 भुजाएं हैं, हमारी कितना हाथ है, 2 हाथ है, अगर वो 1000 हाथों से अगर हम दे फिर 2 हाथ से हम कितने ले सकते हो। अब नरसिंह भगत का नाम सुने हो, सुने हो नरसिंह भगत जी, ये दिन भर प्रभु का भजन करता था, अब इसकी घर में एक बेटी है, अब ये बेटी को कौन शादी करवाएगा, पिता तो दिन भर प्रभु के भजन में मस्त है, फिर भगवान को चिंता लग गई, ये तो दिन भर मेरा नाम लेता है, फिर बेटी को शादी कौन करवाएगा, कृष्ण स्वयं सावरिया सेठ बन करके कृष्ण स्वयं उनकी बेटी को शादी कराने, कृष्ण स्वयं जाते हैं, ठाकुर जी स्वयं जाते हैं उनकी बेटी को शादी करवाने के लिए। अगर निष्काम हो तो कहकर भक्ति करोगे ना, फिर कोई चिंता मत करो ठाकुर जी, सारे काम को ठाकुर जी सारे काम काज में कर लेंगे, लेकिन अगर एकनिष्ठ होकर के प्रभु की भक्ति करोगे तो है। इसलिए भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए, ये एक नंबर। दूसरी नंबर पे कहते हैं भक्ति कैसे हो, बोले निरंतर जमाई कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए,
उदाहरण देते हैं, जैसे शहद है ना, जैसे शहद को आप डालोगे देखना उसमें एक धागा बन जाता है। कहते भक्ति ऐसे भक्ति हो हर काम में भगवान की याद रहे, हर काम में ठाकुर जी की याद रहनी चाहिए। हाथ में जो कुछ करना ठाकुर जी को सेवा करना, और मुंह में क्या करना भगवान की नाम लेना। एक बार हाथ उठा करके सबके सब बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग पीछे कोई बोल नहीं रहे हो, मैं अकेला देखो मेरी कितनी जोर से आवाज आ रही है। और देखो आप लोग कितने बैठे हो, 400-500 भक्त लोग बैठे हो। अगर इतने लोगों के मुंह से अगर ठाकुर का नाम निकलेगा ना, अब ये थोड़ा धाम है ना, ये पूरा वृंदावन धाम बन जाएगा। और जहाँ पर ये प्रभु का नाम हो, कहते यहाँ के जहाँ पर भगवान के नाम होना, वो गांव में किसी तरह का दुख कष्ट रह ही नहीं सकती। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, इसलिए जितने जोर से नाम लोगे उतना ही हमारा देश से पाप कटेगा और जीवन में शांति सुख आएगा। इसलिए जोर से हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तभी जीवन में हमें शांति और सुख मिलेगा। प्रभु के भजन किए बगैर जगत में कोई शांति सुख रह ही नहीं सकते हैं। उतना ही सुखी रहोगे जितने प्रभु की भक्ति करोगे, और उतना ही दुखी रहोगे जितने प्रभु की भक्ति से दूर जाओगे। हैं? अभी उनका जो दूसरा प्रश्न था बताओ, दूसरी प्रश्न किया है कौन बोलेगा, किसको याद है बताओ, जोर से बोलो। हाँ देखो ये बच्ची ने बताया कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है। अभी श्री सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं, बोले एतत् निर्दिष्टमानानां इच्छताम् अकोत भयम् जोगिनां विपनिर्मिता हरे नामानुकीर्तनम्। कहते जितने पुराण जितने उपनिषद जितने वेद यहाँ तक भी जितने मुक्त महापुरुष हुए बड़े बड़े योगी जो हुए हैं सब के सब एक ही बात बताए, कलयुग में भगवान को जो पाना क्या है उपाय क्या है। बोले कलयुग के बलना कलयुग
भगवान का कीर्तन में ताली बजाने का कितना महिमा बताया कल मैंने। अगर ताली बजाओगे तो क्या होगा, हमारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। अगर कोई उल्टा पुलटा हो तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। क्या दूसरा फल क्या है ताली बजाने का? दूसरा फल है शरीर में जितने तुम्हारी बीमारी है, शरीर में जितने बीमारी तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अरे तीसरा फल क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे कहीं गेहूं सुखाने के लिए दिए हो लेकिन वहां पर कोई चिड़िया सूख रहा है खा रहा है, उसको भगाने के लिए क्या कहते हो? ताली बजाते हैं, वो चिड़िया उड़ जाती है। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं हरि नाम करते हैं वो पाप रूपी चिड़िया आकर के सर पर बैठ जाता है, लेकिन जब हम ताली बजाए ना वो पाप रूपी चिड़िया भी उड़ जाती है। कहते चौथा फल क्या है ताली बजाने का? बोले चौथा फल ये है अगर ताली बजाओगे ना आप बहुत इंटेलिजेंट बड़े बुद्धिमान बनोगे। क्योंकि जितने नस है पैर और हाथ से जुड़ा हुआ है अब थोड़े समय ताली बजा देखना शरीर में एकदम ऊर्जा प्रकट हो जाती है, शरीर का सारे आलस खत्म हो जाएगी और वो बड़ी इंटेलिजेंट बनते हैं। इसलिए जोर जोर से ताली बजाना ठीक है। बोले हरे कृष्णा सबसे सरल उपाय। ठाकुर जी को पता है कलयुग का जीव सत्य युग में था ध्यान। अब सुने होंगे वाल्मीकि ने इतने भजन किया शरीर दीमक चाट गया लेकिन तभी भी बैठ करके श्री राम श्री राम श्री राम का नाम निकल रहा था। हजार हजार साल बिना खाए पिए करते थे। अगर कलयुग में एक दिन कोई व्रत रखे ना अगर उनको बोले भैया ये काम कर तो बोले आज हमने व्रत रखा, मतलब कलयुग जीव के एक दिन भी कोई व्रत रख नहीं सकते। इसलिए भगवान ने देखा ये तपस्या नहीं कर सकते। तृतीय युग में था यज्ञ। अभी यज्ञ के लिए पहले तो निष्काम ब्राह्मण चाहिए।
फिर उसमें घी चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, हैं? इसलिए 1000 रुपया लग जाएगा एक यज्ञ करने के लिए। फिर कलयुग में शुद्ध घी भी नहीं मिलेगा, सब चर्बी मिला हुआ, हवन सामग्री पवित्र नहीं, इसलिए देखा कलयुग का जीव ये यज्ञ कर ही नहीं सकते। द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए पंचामृत चाहिए, धूप दीप नैवेद्य कर्पूर अगुर चंदन फूल की माला बहुत कुछ चीज चाहिए भगवान की अर्चन पूजा करने के लिए। बोले भैया कलयुग का जीव इतने कहाँ से लाएंगे, पहले एक व्यक्ति काम करता था पूरा परिवार खाता था, अभी देखो पति भी काम करता है, पत्नी भी करता है, बेटा भी करता है, बहू भी करता, तभी घर में कमी, तभी घर की खर्चा पूरी। बोले कलयुग में कहाँ से इतना चीज लाएंगे, इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में ऐसे एक उपाय रखो जो बिना पैसा बिना परिश्रम और बिना कष्ट से हो जाए। वो क्या है, बोले भगवान के नाम है, ठाकुर जी की नाम है। जैसे अभी कीर्तन कर रहे थे, अभी कीर्तन कर रहे थे, लेकिन हर युग में जो साधन था वो परिश्रम था। तपस्या करने के लिए एक जगह पर बैठना पड़ेगा तुम्हें, यज्ञ करने के लिए वहां अग्नि की आग लपेटा निकलेगा, उसको पास में धुआं निकलेगा बैठो, फिर अर्चन पूजा के लिए बैठो। लेकिन कलयुग में ये ऐसे के साधन है, आप उठते चलते बैठते सोते हर समय ये भगवान का नाम ले सकते हो। बिस्तरा में लेट भी हो, बस बैठ बैठ करके बिस्तरा में लेट लेट करके नाम ले सकते हो। अपवित्र अवस्था में हो तभी तुम नाम ले सकते हो, किसी स्थिति में तुम नाम को ले सकते हो। ये नाम लेने के लिए भगवान ने कोई पाबंद नहीं रखा, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम करि बहु भार, निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता, नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु कहते हैं भगवान के अनंत नाम है, कृष्णा गोविंद दामोदर कितने नाम ठाकुर जी के। खैर कलयुग में भगवान अपना नाम में उन्होंने सारे शक्ति दे दिया, इसलिए मीरा कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। देखो रामायण में एक सुंदर कथा थी, कभी एक कैवर्त देश में एक राजा था जिसका नाम था सुकामा। ये एक दिन ये सुमेरु पर्वत के ऊपर में संतों का संग हो रहा था, संत समागम हो रही थी। एक दिन ये सुकांत जा रहा था, इतने में श्री रास्ता में नारद जी मिल गए, बोले भैया इधर आओ। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले सुमेरु पर्वत में बड़े बड़े संतों का समागम है, वहाँ सत्संग होगी, इसलिए जा रहा हूँ सत्संग से। तब श्री नारद जी ने कहा देखो पहले जाकर के ना संतों का चरण छूनी चाहिए। बोले आप लोग तो सिखाया, पहले जाकर के संतों का पहले चरण छुओ, आप लोग ने सिखाया। बोले देखो इधर सुनो, बोले क्या बात है, बोले सबका चरण तो छूना लेकिन वहाँ देखना श्री विश्वामित्र जी रहेंगे। बोले हाँ वो तो जरूर रहेंगे। बोले केवल उनकी चरण नहीं छूना। बोले क्यों, उनका चरण क्यों नहीं छूंगे, बोले बोल दिया ना, जैसे वो भी पहले क्षत्रिय थे तू भी पहले क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय से ही वो ब्राह्मण तो की प्राप्त किया, इसलिए केवल उनकी चरण नहीं छूना। बोले ठीक है। अभी श्री सुकांत गए, माता जी उनको वही बैठे तो आगे कुछ आने मत दिया। बोले हरे कृष्णा क्यों इतना बेचने आ रहे हो, उनको बैठे में तोड़ दो। हरे कृष्णा, इसलिए अभी श्री सारे संतों लोग लाइन करके बैठे हुए थे,
अभी उन्होंने जा करके सबका चरण को उन्होंने जब छुए, लेकिन केवल श्री विश्वामित्र जी के चरणों को उन्होंने नहीं छुए। अगर सारे साधु बैठे हुए सभी का चरण छुओ और एक का चरण आप मत छुओ, बताओ क्या होगा? वो बड़ा नेग्लेक्ट, बड़ा इंसल्ट होता है। इतने में विश्वामित्र जी तो वही से क्रोधित है, जब देखा भरी सवारी सबका चरण छुआ गया, जब ये सत्संग समाप्त हो गई ना, उन्होंने पूरा अयोध्या सिखाया। और उसी समय भगवान राम